right? We were discussing the Bohr's model of atom, right? After the Rutherford experiment, when the drawback was there, he was not able to explain the stability of an atom, then the Bohr model became, they came with the idea and they used the Rutherford idea to identify where the actually the electrons are present. Then jo Bohr model diya tha in 1912 mein Neil Bohr gave the idea. Neil Bohr put forward model to explain the structure of an atom and this is called the Bohr model. Postulates humne kar liye the, or otherwise you can write down again the postulates. Postulate you can write down again, number one. What was the first postulate of Bohr model? Atom has central nucleus surrounded by electron. Atom consists of nucleus and electrons are surrounded by electrons. ठीक है, the electron in an atom revolve around the electrons in an atom revolve around the nucleus in a certain fixed orbit around the nucleus. Certain fixed orbits. They revolve around the nucleus in a certain fixed orbits. Okay, fixed circular path. You can say. Then we term that the orbits or the shells. Okay, ji. Third, likhiye. Each shell has fixed energy. हर शेल की अपनी एक फिक्स एनर्जी है, ठीक है, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज एनर्जी लेवल और एनर्जी शेल्स भी कहते हैं. सो दीज आर कॉल्ड, सो दीज आर कॉल्ड एनर्जी shells or energy levels. ठीक है, इसलिए हम इनको energy shells और energy level भी कहते हैं. Right, then the fourth point लिखो इसमें. The energy shells are numbered as the energy shells. Number as 1, 2, 3, 4 or K, L, M, N shells. These are called 1, 2, 3, 4 or K, L, M, N shell. Okay. Next point. When electrons revolve around the nucleus, they will not gain. ठीक है, जब वो रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, इट डज नॉट लूज और गेन एनर्जी. डज नॉट लूज और K energy,
when they are evolving, they will not either, मतलब neither they will lose nor gain. ठीक है जी, ठीक है. सिर्फ और सिर्फ एनर्जी में चेंज कब आता है? द चेंज इन द एनर्जी तभी होती है व्हेन इट जंप फ्रॉम द वन एनर्जी लेवल टू द एनर्जी लेवल, तब वहां पे चेंज इन द एनर्जी आता है. अदरवाइज व्हेन दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस दे विल नॉट लूज और गेन एनर्जी. दीज पॉइंट्स आर क्लियर? पोस्टुलेट्स ऑफ द बोहर मॉडल इज क्लियर? पोस्टुलेट ऑफ बोहर मॉडल इज क्लियर बेटे? ठीक है, नेक्स्ट हम इसके बाद लिखना है. पोस्टुलेट्स के बाद आप ये बना लो साथ में, पोस्टुलेट्स के साथ ही यू कैन मेक इसके साथ. मैंने आपको फार्मूला भी बताया था कि ये का टू एक्स स्क्वायर फार्मूला. ठीक है, दिस इज न्यूक्लियस. दिस इज न्यूक्लियस. ठीक है, ये हो गया वन और ए शेल, टू और एल, ठीक है, थ्री और एम, एंड दिस इज फोर और एन शेल. ठीक है जी, ठीक है. इसके बाद एक बोहर मॉडल के बाद नाउ राइट डाउन द डिस्कवरी. वी ऑलरेडी हैड रिटन डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन इज डन बाय द जे चैडविक. न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी है इट वाज गिवन बाय जे चैडविक. ठीक है जी, जे चैडविक ने, जेम्स चैडविक इन 1932 ही गिव द यानी डिस्कवर द न्यूट्रॉन्स. न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल, दे डू नॉट कैरी एनी चार्ज, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता. ठीक है, एक यहाँ पे ना एक पॉइंट लिख लो, स्टार डाल के एक मिनट दिमाग में चल रहा है. ऑल हाइड मतलब ऑल एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन, ऑल एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन contains neutrons. सिर्फ एक हाइड्रोजन को छोड़ के ऑल द एटम्स वी आर हैविंग द न्यूट्रॉन्स. ठीक है, इज इट क्लियर बेटे? न्यूट्रॉन भी क्या है? इट इज द सब एटॉमिक पार्टिकल हैविंग मास इक्वल टू दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम. न्यूट्रॉन्स आर सब एटॉमिक पार्टिकल इक्विवेलेंट टू सब एटॉमिक पार्टिकल इक्विवेलेंट या हैविंग मास इक्वल टू हैविंग मास इक्वल टू that of hydrogen atom. The mass जो है that is equal to the hydrogen atom and carry no charge. One AMU होता है hydrogen atom, that is one atomic mass unit and carry no charge. ठीक है, denoted by small m. N is denoted by okay. ठीक है, इसके बाद एक और चीज करो, तीनों का ना कंपैरिजन फॉर्म में लिख लो सो दैट
टैबुलर फॉर्म में राइट डाउन इस तरह से बना लो और इसमें लिख लो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन, ठीक है। किन किन बेसिस पे जैसे इनका सिंबल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स पूरा पूरा लिख लेना ऊपर चाहे। ठीक है, ऐसे लिख लो, फिर इनकी नेचर लिख लो, नेगेटिवली चार्ज पॉजिटिवली चार्ज न्यूट्रल, ठीक है। देन मास नंबर लिखो, रिलेटिव मास इनका क्या क्या होता है, देखिए 1/18/40th ऑफ हाइड्रोजन एटम, 2 हाइड्रोजन एटम प्रोटॉन न्यूट्रॉन का भी हमने लिखा इक्वल टू, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो जो इनका एक्चुअल मास है, ये रिलेटिव एटॉमिक मास हो गया एक्चुअल मास, -31 kg. दूसरे का लिखो 1.67 × 10⁻²⁷ kg. ये भी इतना ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट लिखो चार्ज -1 + 1 नो चार्ज, और इसका आपने करा था 1.602 × 10⁻¹⁹ कूलम, दिस इज आल्सो 1.602 × 10⁻¹⁹ कूलम, ठीक है। इज इट क्लियर बेटे, एनी डाउट? इफेक्ट्स डाउन मे आई रेज दिस वन, दिव्या गगन धारिया इज इट क्लियर, जिया सुरवीन क्लियर है बेटे? नाउ इरेज दिस वन एंड राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक नंबर, डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक नंबर, नाउ राइट डाउन द डेफिनेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एटॉमिक नंबर, what is the meaning of atomic number, write down the number of protons present in the nucleus of an atom, the number of protons present in the nucleus of an atom, the number of protons present in the nucleus of an atom, the number of the protons present in the nucleus of an atom of an element is called atomic number, it is denoted by Z, that is a denote karte hain hum isko, it is denoted by capital Z. तो Z का मतलब क्या होता है, दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड या
इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी हो गया और इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लाइक जितने एटॉमिक नंबर क्या होगा, जितने उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है और जितने उसके इलेक्ट्रॉन्स है, दैट इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर, ठीक है, उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे हम कर चुके हैं, जैसे हम सोडियम लेते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर 11 है, ठीक है जी, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं, 11, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने हैं, 11, बट व्हेन आई विल राइट डाउन एन ए पॉजिटिव, देन इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, कोई बोल बताएगा कितने होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यस प्रतीक्षा, अनम्यूट योरसेल्फ, 10, क्या नंबर ऑफ, क्या 10 है, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों, नहीं, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, इस केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है और 10 है, क्योंकि प्रोटॉन उतने ही रहेंगे जितना उसका एटॉमिक नंबर है, एक उतने ही रखते हैं, अभी मैंने ऊपर आपको यही बताया है कि एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन है, वो उतना ही रहेगा, बट वेन इट इज कैरिंग एनी चार्ज तो नेचुरली इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएंगे, सपोज इसके 11 थे, है ना, सोडियम के 11 है, ठीक है, इसके पास 11 थे तो 11 इलेक्ट्रॉन हो गए 2, 8, 1, बट वेन इट रिक्वायर्स अ पॉजिटिव चार्ज दैट मींस इट विल लूज इट्स वन इलेक्ट्रॉन एंड इट बिकम 2, 8, दैट इज 10, तो इलेक्ट्रॉन्स वेरी कर देंगे। इसी तरह से इफ वी विल सी द केस ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन के केस में 17 है, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी, लेकिन Cl नेगेटिव में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स कितने हैं 17, बट न्यूट्रॉन और सॉरी इलेक्ट्रॉन कितने हैं 18, क्योंकि एक्वायर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज इंडिकेट्स दैट इट विल गेन वन इलेक्ट्रॉन, तो इसके 18 हो गए, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ किसी को या नहीं, सुरवीन क्लियर है बेटा, जब सिंपल एटॉमिक एलिमेंट का नेम सिंबल लिखा है तो वो हम कर चुके हैं, हाय हेलो लिसन, बट व्हेन इट कैरीज एनी चार्ज ईदर द पॉजिटिव और नेगेटिव, देन नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गया, पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन लूज हो गए, राइट, नेक्स्ट डेफिनेशन लिखो, मास नंबर, राइट डाउन द नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज द मास नंबर, राइट डाउन, राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ मास नंबर, लिखो sum of the number of protons and sum of number of protons and neutrons, what is the mass number, sum of the number of protons and neutrons in an atom of an element, in an जैसे मैंने लिखा हो ए ऑक्सीजन 16 ये मास नंबर, सिंपल है मास नंबर निकालना है, मतलब मुझे इसका मास नंबर, यहाँ मेरे को मास नंबर पता है,
यहाँ पे मास नंबर होता है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर. मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. मास नंबर गिवन है तो वी कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स गिवन है तो वी कैन कैलकुलेट द मास नंबर. ठीक है, इज दिस पॉइंट क्लियर? अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि किसी एक एलिमेंट का, किसी का मैंने बोला कि 80 इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड 120 इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. अब मैं यहाँ पे ये कह रही हूँ कि क्वेश्चन में आई एम सेइंग 80 एंड 120, यू हैव टू कैलकुलेट मास नंबर. तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस एंड इट विल बिकम 200. ठीक है, तो अगर मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है तो आई कैन राइट एक्स 200 will come at the top, mass number at the top, atomic number, that is the number of proton, 80. By this, इस तरह से we will denote it. देख लो, because like the each में just check it out. If they will tell us to calculate and represent, so in representation हमें उन्होंने दो चीजें दी थी, number of protons and number of neutrons. I calculated. 80 plus 120 that is equal to 200 आ गया मास नंबर. ठीक है, 200 मास नंबर आ गया एंड रिप्रेजेंटेशन x 80 जो प्रोटॉन है वो पैर में एंड 200 एट द टॉप. रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलिमेंट, वी विल रिप्रेजेंट द सिंबल इन दिस वे. इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन देती हूँ. पहले इसी में क्वेश्चन कीजिए, राइट डाउन so that it clear हो जाए how do you have to calculate the mass number. Write down, लिखे बेटे, the atomic nucleus of an element has mass number. आपको given है an element has mass number 23. ठीक है, आपको उन्होंने दिया है कि एक एलिमेंट है जिसका मास नंबर 23 है एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर 12. आपको उन्होंने मास नंबर एंड न्यूट्रॉन्स दिए हैं एंड दे आर सेइंग व्हाट इज इट्स एटॉमिक नंबर एंड द सिंबल ऑफ एलिमेंट. What is it? Symbol of an element. हाँ जी धैर्य, अनम्यूट योर सेल्फ बेटे. मैम 11 एटॉमिक नंबर होगा. मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. मास नंबर कितना गिवन है, 23 प्रोटॉन्स नहीं 23 एंड न्यूट्रॉन 12. सो 23 माइनस 12 दैट इज p 11. प्रोटॉन किसके होते हैं, सिंबल क्या है इसका, Na. ठीक है, आगे क्वेश्चन लिखो. कैलकुलेट द नंबर ऑफ इन 19, यहां पहले में निकालो, इसमें निकालो. कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसकी सारी चीजें बताओ, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स सारा कुछ बताओ, इसमें क्या क्या है.
इस वाले में सारा कुछ बताऊंगी क्या क्या है। क्या क्या है इस वाले में स्टूडेंट पहले हाँ जी जिया दिव्या